आज राजस्थान भरतपुर के भरतपुर गोवर्धन मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद नाली निर्माण कार्य व सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ बनाने का कार्य में गति लाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के इनोर जैन, पुष्पेंद्र पाल व मालिक मानिक पाल जी, गिरदावर पटवारी तहसीलदार सड़क सहित सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाने के लिए जगह चयनित की गई। लोगों से समझाइश की गई कि जो सड़क पर पानी भरा रहता है परिक्रमा वासियों को परेशानी होती है निकलने में, उस अतिक्रमण को हटाने व नाली निर्माण के लिए क्षेत्र लगाए 10-15 दिन के अंदर अतिक्रमणियों को नोटिस प्रदान कर कार्रवाई की जाएगी। मैं ANPWD मानिकपाल और ये जय इंद पाल सिंह। तो आज इस सड़क का भरतपुर से लेकर सौंक रोड जो जा रहा है इसका नाली निर्माण के लिए आपने जगह निर्धारित किए हैं, वो क्या है? क्या है कि इसमें CC निर्माण कार्य कर दिया गया है लेकिन फिर भी सड़क पे पानी भर रहा है। उसके लिए क्या है, जब तक नहीं खत्म होगा जब तक नाली निर्माण नहीं बनेगा। नाली निर्माण में क्या कुछ यहाँ अतिक्रमण आ रहे हैं जिसके लिए हमको क्या 1.80 का तो क्या फुटपाथ का ले रखा है और 1 मीटर में नाली बनेगी जी, तब ये पानी की समस्या से निजात मिलेगी गांव वालों को और रास्ता भी चौड़ा हो जाएगा, दोनों तरफ फुटपाथ बन जाएगा। और सर जो उसके लिए निशान तहसीलदार द्वारा जो गठित टीम है जी उसको मौके पर भेजकर और हमारी उपस्थिति में क्या सीमांकन करा दिया गया जी, और उसके बाद में अभी ये अतिक्रमण हटाने के बाद नाली निर्माण का